हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू ओरा मैथ्स क्लासेस। कल के लेक्चर में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2, उसके हम एग्जांपल कर रहे थे। और आज मैं आपको एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट यहां पे सॉल्व करवाती हूं, और बाकी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और कल की वीडियो में भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी 1 से लेकर 10 क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो वहाँ से आप चेक कर लेना जिस बच्चे ने चेक नहीं किए। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन। इसको आपको एक्सपेंड करना है अप टू टर्म्स एक्स रेज टू पावर 4, यानी कि कहाँ तक आने चाहिए हमारी एक्स में, 4 पावर तक आने चाहिए एक्स रेज टू पावर 4 तक। एफ एक्स क्या गिवन है? साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन, ठीक है? अब यहाँ से आपको इसको एक्सपेंड करना है। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन, ई रेज टू पावर एक्स के भी आपको एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं पुट करती हूँ, पुट ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन इज अ टी, इसको हम टी ले लेते हैं, देन एफ एक्स क्या बन जाएगा, साइन ऑफ टी। एंड साइन टी की जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते जाएंगे, सबकी एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ई रेज टू पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, लॉग ऑफ वन माइनस एक्स, जितनी भी एक्सपेंशन है यहाँ पे, ये आपको लर्न भी करनी है। अब देखिए यहाँ पे साइन टी, आपको ये पता है कि साइन टी की एक्सपेंशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। दिस इज अ टी माइनस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस टी रेज टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉ, क्योंकि हमें एक्स रेज टू पावर 4 चाहिए, इसलिए हम 5 तक एक्सपेंड कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे आएगा। अब आप यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, हम ई रेज टू टी की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन, ई रेज टू पावर एक्स की एक्सपेंशन यहाँ से निकालिए। वी नो दैट ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉ। ओके, हमें चाहिए ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन की वैल्यू, देन इस वन को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 एंड एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू उठाइए, और ये किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू, यानी कि टी की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। चलिए एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू टी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। ये वैल्यू हमने रखी टी की वैल्यू। ओके, टी क्यूब पुट कीजिए यहाँ से, माइनस ऑफ 1 बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, और टी क्यूब मीन्स इस कंप्लीट फैक्टर की क्यूब लेके चलेंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 एंड एक्स 4 बाय 4 फैक्टर अप टू सॉन, और इसकी पावर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप अगर पुट करते हैं देन एक्स रेज टू पावर 5 करेंगे, तो 5 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें चाहिए एक्स रेज टू पावर 4 तक। ठीक है, यहाँ तक ही हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे वैल्यूज हम नहीं रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, प्लस अप टू सॉन लगा के छोड़ देंगे यहाँ पे, क्यूब तक ही पुट करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी तो पावर 1 है, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट की पावर क्यूब है, यानी कि आपको यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, ओनली एक्स को मैं ए ले लेती हूँ, ठीक है, और इस कंप्लीट टर्म को बी ले लेते हैं। क्या बन जाएगा यहाँ से, ए प्लस बी क्यूब। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए, अब ओपन करते हैं इसको, ये एज इट इज रहेगी टर्म, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब, क्योंकि सारे के सारे टर्म आपको लेनी पड़ेंगी, हमें एक्स रेज टू पावर 4 तक चाहिए। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्यूब ओपन करते हैं, ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब मीन्स कंप्लीट की क्यूब। अगर आप इस कंप्लीट फैक्टर की क्यूब करते हैं
और फिर मैं दोबारा क्यूब ओपन करती हूँ तो 2 raised to power 3, यानी कि इसकी क्यूब करेंगे तो स्क्वायर की पावर 3 करते हैं तो 6 आएगा, वो हमें नहीं चाहिए, हम लेंगे सिर्फ जहाँ तक 4 पावर आती है, समझ गए। तो हम ये फैक्टर लेंगे, ये फैक्टर नहीं लेंगे, बिकॉज इसकी अगर क्यूब करेंगे तो इसकी पावर हाइएस्ट जाएगी, यानी अबव 4 जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है 3a² b, ए क्या है हमारे पास, एक्स, 3 यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, ये फैक्टर हमें लेना नहीं है क्योंकि इसकी पावर एक्स से ज़्यादा जा रही है, और यहाँ पे आप करेंगे ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू मीन्स आप ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वाला फैक्टर लेंगे हम, दिस फैक्टर। ये क्यों लेंगे देखिए अभी बताते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3a² मीन्स एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म हमने ए ले रखी है, बाकी पूरी टर्म हमने बी ले रखी है, 3a² × b, बी रख दीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 factorial, एक्स क्यूब बाय 3 factorial, प्लस x^4 by 4 factorial, प्लस अप टू 100, ये हमने बी की वैल्यू रख दी। अब करते हैं नेक्स्ट फैक्टर, देखिए 3ab² मीन्स 3a की वैल्यू x है और b स्क्वायर करेंगे तो x^2 by 2, यहाँ से स्टार्ट है, प्लस अप टू 100, इसका स्क्वायर करते हैं तो x की पावर 4 आएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करती हूँ, x^4 और एक एक्स बाहर मल्टीप्लाई, टोटल पावर कितनी होगी, x^5, हमें चाहिए x^4 तक, इसलिए हम ये फैक्टर भी नहीं यहाँ पे लेके चलेंगे। जो जो आपको चाहिए आप सिर्फ वही फैक्टर लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इनको भी सॉल्व करेंगे, बहुत पजल हो जाएंगे, इसलिए जो जिसमें पावर 4 तक आती है सिर्फ वो फैक्टर उठाते हैं। अब आगे हम छोड़ देंगे प्लस अप टू 100 और हमारी चल रही है आगे सीरीज, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें जो कोफिशेंट, जैसे कि क्यूब यहाँ पे है, क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे x^4, जैसे आप इसकी स्क्वायर की क्यूब से करेंगे x^5, ये टर्म भी हम नहीं लेंगे, अब आगे करते जाएंगे कोई भी टर्म नहीं लेंगे, सिर्फ x^4 तक लेनी है। चलिए करते हैं, स्टार्टिंग की x प्लस x^2 factorial, क्यूब की देखें यहाँ पे 1 by 3 factorial, 6, ओके, एंड यहाँ पे देखते हैं ये 1 by 3 factorial, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक्स क्यूब, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया 1/6 × x³, और एक एक्स क्यूब की टर्म यहाँ से आएगी, इसको हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, x³/3 factorial होगा 6, ओके। नेक्स्ट टाइम x^4 इज अ 4 factorial, ठीक है, एंड 4 factorial इज अ 1/24, और एक कोफिशेंट यहाँ से आएगा, जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई के साथ करते हैं क्या आएगा, 3/2, यहाँ लिख देती हूँ 3/2 × x^4, और बाहर माइनस है तो ये टर्म माइनस की जाएगी, और मल्टीप्लाई है 1/3 factorial से, मीन्स 1/6 से, कैंसिल कर दो, 1/4 x^4, एक टर्म यहाँ पे आ जाएगी, -1/4 x^4, प्लस अप टू 100, बाकी की कोई टर्म आपको नहीं लेनी है, सिर्फ x^4 तक। तो क्यूब क्यूब के साथ इकट्ठा कर लिया, 4 x^4 के साथ हमने यहाँ पे टर्म इकट्ठा ले लिया, देन x प्लस x^2 factorial यहाँ से हटा देते हैं, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, -1/5 by 24, ये आ जाएगा -5, तो ये टर्म आएगी हमारे पास -5/24 x^4 प्लस अप टू 100, तो ये आंसर आएगा ऑफ, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक, अप टू टर्म्स x^4 तक। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे मैकलोरिन थ्योरम्स से हमने एक्सपेंड किए हैं। अब इसने बोला है कि अप्लाई टेलर थ्योरम, आपको अप्लाई टेलर थ्योरम अप्लाई करनी है, साइन ऑफ पाई बाय 4 + θ इक्वल टू ऑफ दिस आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ पाई बाय 4 + θ, दैट मीन्स टेलर थ्योरम लिख लीजिए सबसे पहले, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस h^2 factorial एफ डबल डैश एक्स h³/3 factorial एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू 100,
क्योंकि टेलर थ्योरम से आपको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे इसको आप कंपेयर कीजिए। अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मेरे पास आती है साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, साइन ऑफ एक्स, क्योंकि हमारा फंक्शन वहाँ पे किस में, साइन में है। देन यहाँ से एच को जीरो पुट कर लेते हैं, पुट एच इक्वल टू जीरो, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, एफ एक्स मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड अप टू सो ऑन, फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश एक्स इज ए कॉस एक्स, डबल डैश इज ए माइनस साइन, देन ट्रिपल माइनस कॉस, ऐसे आप करते जाएंगे। फोर्थ डेरिवेटिव हमें चाहिए, क्यूब तक शो करना है ना, ये आ जाएगा साइन एक्स, एंड फिफ्थ इज कॉस एक्स, ओके। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच, दिस इक्वल टू, एक्सपेंशन में पुट कर लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यूज है साइन एक्स, ओके, प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स, प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश इज माइनस साइन एक्स, प्लस एच क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, आगे रखेंगे हम ट्रिपल डैश की वैल्यू, दिस इज माइनस कॉस एक्स, और अगर हम आगे चलते जाएं, दिस इज साइन एक्स, एंड एच रेज टू पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल कॉस एक्स, प्लस अप टू सॉ। अब जो आपको वैल्यू चाहिए, साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा, और हमारे पास क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ दिस एक्सपेंशन, ओके। देन यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक्स को पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर एंड एच इक्वल टू थीटा, समझ गए, एक्स को रखेंगे पाई बाय फोर और एच को रखेंगे थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें यही मिल जाएगा, क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स इज अ पाई बाय फोर एंड एच इज अ थीटा, राइट साइड में पुट करेंगे, साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एच को थीटा रख रहे हैं, कॉस ऑफ पाई बाय फोर थीटा स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल माइनस साइन पाई बाय फोर, ठीक है, क्यूब तक चाहिए हमें, आगे करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्यूब तक निकाल लीजिए, थीटा क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल माइनस कॉस पाई बाय फोर प्लस अप टू सॉ, साइन पाई बाय फोर इज ए वन बाय रूट टू साइन 45, कॉस पाई बाय फोर इज ऑल्सो वन बाय रूट टू इन टू थीटा, नेक्स्ट टर्म इज अ माइनस, माइनस वन बाय रूट टू थीटा स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अ माइनस, ये माइनस की चल रही है, कॉस एफ डबल डैश, ट्रिपल डैश निकालेंगे, माइनस ऑफ दिस, चलिए थीटा वन बाय रूट टू थीटा क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, प्रूव क्या करना है, माइनस में है प्लस में है, माइनस में ही है, ये जो आप प्रूव कर रहे हो ना, ये माइनस में ही है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस लिख दिया था। यहाँ पे चेक करते हैं, अब हम वन बाय रूट टू कॉमन निकाल लें, क्योंकि हमारे पास वन बाय रूट टू है, तो कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, नेक्स्ट अब इज ऑल्सो माइनस, प्लस अप टू सॉन लगा देंगे यहाँ पे, थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन दिस, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा। तो टेलर सीरीज जैसे ही आपको बोली जाती है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी कि ये पता होना चाहिए, ताकि हम इसको एक्सपेंड कर सकें, और जो आपको चाहिए एक्स को और एच को उसी में रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 8, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 9 बाय 10। आपको वैल्यू निकालनी है, और विद द हेल्प ऑफ, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट नहीं करनी 9 बाय 10, कह रहा विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, टेलर सीरीज से इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे टेलर सीरीज लिखिए, क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एच स्क्वायर क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू सॉ, ओके। अब यहाँ पे देखिए,
एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस इलेवन। फर्स्ट डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। एफ डबल डैश इज अ नाइन एक्स प्लस फोर। एफ ट्रिपल डैश इज अ नाइन, ठीक है, एंड फोर का डेरिवेटिव जीरो और फोर्थ हमारा डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, इसलिए हमें क्यूब तक ही चाहिए। क्यूब तक हमने यहाँ पे ले ली टर्म्स। चलिए अब इन सब की वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है, जितने भी दे रखे हैं। अब हमें चाहिए 9/10, एफ ऑफ 9/10। इसको हम क्या ब्रेक करें, यानी एक्स की और एच की ऐसी क्या वैल्यू रखो कि मेरे पास 9/10 आ जाए। ओके, वन माइनस 1/10 कितना होता है, 9/10, समझ गए। तो अगर मैं x को पुट कर लेती हूँ 1 और h को ले लेती हूँ माइनस 1/10, हो गया सॉल्व। पुट करते हैं यहाँ पे f ऑफ x प्लस h इक्वल टू, पहले तो आप डेरिवेटिव्स की वैल्यू रखिए, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन, दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ठीक है। चाहे पहले सॉल्व कीजिए चाहे बाद में सॉल्व कीजिए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। पहले हम वैल्यूज ही रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू माइनस 1/10। यहाँ पे पुट करते हैं एफ ऑफ 1 माइनस 1/10, समझ गए। एक्स को 1 लिया हमने, एच को माइनस 1/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1, है ना, प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने यहाँ पे लिया है, एच की वैल्यू माइनस 1/10, एफ डैश 1 प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/100 स्क्वायर है यहाँ पे, ओके, और एफ डबल डैश 1 प्लस क्यूब तक ही सीरीज खत्म हो जाएगी, आगे जाएगी नहीं क्योंकि फोर डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। नेक्स्ट टाइम माइनस की हो जाएगी, माइनस 1/1000 एफ ट्रिपल डैश 1। अब हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 1, एफ डैश 1, एफ डबल डैश एंड ट्रिपल डैश 1। निकाल लीजिए यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एक्स को 1 पुट कर लेते हैं, 1 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 11, ठीक है, दिस इज माइनस 3 एंड 9, ठीक है, एंड एफ डैश वन इज डेरिवेटिव में पुट करते हैं 3 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 एंड 2 आ जाए, 6 आएगा भाई, 6 बाय मिस्टेक 9 लिख दिया हमने यहाँ पे और ये 6 आएगा, ठीक है। जैसे आप डबल डैश यहाँ पे रखते हैं 1, दिस 6 प्लस 4 इज 10, ठीक है, और ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा 6। अब इन टोटल वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ 1 माइनस 1/10 इज 9/10, दिस इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू, दिस इज 9 माइनस 1/10 एफ डैश 1, एफ डैश 1 इज 2, ये हो जाएगा 2/10 प्लस डबल डैश की वैल्यू 10 है, दिस इज 10/100 माइनस 6 अपॉन, ये 3 फैक्टोरियल, ये कॉन्स्टेंट तो हमें लिखे नहीं साथ में, एच स्क्वायर इंटू 2, है ना, और क्यूब इंटू 6, ये भी लिखने पड़ेंगे, ये हो जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 6000। नाउ इसको सॉल्व कीजिए और वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में लास्ट के 5-6 क्वेश्चन मैंने चेक किए थे, एज इट इज़ ऐसे ही करने हैं आपको, यानी कि पहले आपको एक्सपेंशन टेलर थ्योरम की यहाँ पे लिखनी है, एफ एक्स गिवन होगा, डेरिवेटिव्स निकालिए। जैसे अब यहाँ पे 9/10 पूछा गया है तो हमने इसको ब्रेक किया है 1 माइनस 1/10 में, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप माइनस में लेके चलोगे, यहाँ पे आप कोशिश करना कि 1, 2 छोटी सी छोटी वैल्यू यहाँ पे आ सके, ताकि हम जब एफ डैश 1 एफ डबल डैश यहाँ पे 1 पुट करके वैल्यूज निकालते हैं तो वो ईजीली निकल जाए और शॉर्ट हमारा जो वो क्वेश्चन बने जितना भी मिनिमम हो सकता है, ठीक है। किसी में आपके पास 2 भी आ सकता है, किसी में 3 भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो इस मेथड मैंने आपको बता दिया है, इसलिए एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं निकलवा पाऊंगी आपको, इसलिए जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं
जो एग्ज़ाम में आए हैं एंड किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन फिफ्थ इज अ फर्स्ट पार्ट। इससे पहले ही क्वेश्चन इजी से क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेना। इनमें भी मैं आपको एक एक पार्ट करवा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया आ जाए आपको कि कैसे करने हैं, ठीक है। आपको एक्सपेंड करें लोगो वन प्लस आई एक्स को, और ये हमारी एक्सपेंशन आनी चाहिए। एफ एक्स यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स, ओके। क्योंकि एक्स में आ रही है तो आपको मैकलोरिन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लिया, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज अ वन बाय वन प्लस साइन एक्स। डेरिवेटिव करेंगे लॉग ऑफ दिस, एंड एंगल का करते हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि अगर डायरेक्ट यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू बन जाती है किसी क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और हम यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, देन इजीली यहाँ पे पुट कीजिए। और अगर नहीं बनती है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। सेकेंड डेरिवेटिव में क्या पता हम एफ डैश एक्स रख सकते हो, क्या से देखना है यहाँ पे। कॉस एक्स को मैंने लिखा है यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। पाई बाय टू माइनस एक्स इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव रहेगा। एंड वन साइन कॉस एक्स को लिख दिया साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, और साइन एक्स को लिखेंगे कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे यही आंसर आ जाएगा हमारा, ओके। ये हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस थीटा का, है ना। साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे। साइन टू थीटा क्या होता है भाई, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है, ओके। और वन प्लस कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, आई मीन टू थीटा का हाफ इज अ थीटा। अप्लाई करते हैं यहाँ पे, साइन का ओपन करेंगे, टू इंटू साइन, एंगल का हाफ करना है आपको यहाँ पे, दिस इज पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, क्लियर। आप एंगल का हाफ करेंगे ना तो ये पाई बाय फोर बन जाएगा, ये माइनस एक्स बाय टू, एंड दिस इज कॉस ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा, यानी कि टू कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ करेंगे, दिस इज ऑल्सो पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। टू से टू कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस एंगल सेम है, ये आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, अंडरस्टैंड। ट्रिप डबल डैश निकालिए यहाँ से, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव, टेन का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, एंड जब आप एंगल का करते हैं पाई बाय फोर का जीरो, और यहाँ से आ जाएगा माइनस हाफ। अब मैं सीकेंट को ब्रेक करके टेन में ला सकती हूँ, है ना, और फिर हम एफ डैश का यूज़ कर सकते हैं। माइनस हाफ सीकेंट स्क्वायर को मैंने लिखा है यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर, और एंगल जो भी है वो आपको लिखना है पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, और इसको हम ले लेते हैं बाहर, ओके। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस वन बाय टू वन प्लस टेन, किसकी वैल्यू है एफ डैश एक्स, है ना। अब यहाँ पे पुट कीजिए, स्क्वायर है तो ये आ जाएगा वन प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। आप इसको स्मॉल फॉर्म में y2 लिख सकते हैं, इसको आप y1 लिख सकते हैं, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो माइनस वन बाय टू वन प्लस वाई वन स्क्वायर, हम x पे निकाल रहे हैं इसको। अब आप यहाँ पे ट्रिपल डैश यानी कि y3 निकाल सकते हो। थर्ड डेरिवेटिव अगर हम करते हैं माइनस हाफ, अब यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, कैसे, वन का जीरो और इसका आ जाएगा टू पावर आगे y1, और y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव करते हो उसका सेकेंड हो जाएगा, हो गया। टू से टू कैंसिल, ये आ गया माइनस वाई वन इंटू वाई टू। आप एफ डैश एक्स या कुछ ऐसे लिखते हो तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, है ना, डैश में जाओगे फिर डबल डैश लिखोगे, तो यहाँ पे आप वाई की फॉर्म में लिख लीजिए, शॉर्ट भी पड़ेगा और इजी भी रहेगा। वाई फोर निकालते हैं तो यहाँ पे यू इंटू वी अप्लाई होगा, माइनस वाई वन एज इट इज़, वाई टू का हो गया थर्ड डेरीवेटिव और प्लस वाई वन का डेरीवेटिव हो गया वाई टू, और एक हमारे पास ऑलरेडी है, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं हमें कहाँ तक चाहिए, एक्स रेज टू पावर फोर तक चाहिए, निकल जाना चाहिए हमारा यहाँ पे। अब ये वैल्यूज़ आपको जीरो पे निकालनी है, जीरो पे कैसे, ये एफ ऑफ एक्स होता है हमारा वाई, हम निकालते हैं यहाँ पे, इसको रफ कर देते हैं। एफ ऑफ जीरो मीन्स आप इसको लिखोगे वाई ऑफ जीरो, वाई की वैल्यू जीरो पे, क्या जीरो, एक्स जीरो,
रखिए यहाँ पे साइन 0 0, लॉग 1 इज 0, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो कंप्लीट हमारा वाई ऑफ 0 आ गया यहाँ से 0, ओके। वाई 1 हमारा यहाँ पे निकला हुआ है, तो अगर मैं वाई 1 को कर लेते हैं ऐसे, वाई 1 एट एक्स इक्वल टू 0 करती हूँ, देखिए यहाँ पे एक्स को 0 रखेंगे, 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, वाई 2 0 निकालिए, वाई 2 0 इज हमारा लास्ट आंसर क्या है, दिस इज यहाँ पे रखते हैं -1/2 इंटू 1 प्लस वाई 1 स्क्वायर 0, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे हमें 0 रखना है क्योंकि ये एट एक्स इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और वाई 1 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 इज -1/2 इंटू 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई -1। वाई 3 0 निकालिए, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, दिस इज -y10 इंटू y20, वाई 1 की वैल्यू 1, वाई 2 की इज -1, माइनस ऑलरेडी है 1 इंटू -1, वैल्यू आ गई 1। वाई 4 एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस ऑफ y10 y30 प्लस y20 और इसका स्क्वायर, y10 1, y3 की वैल्यू भी 1, 1 इंटू 1 इज अ 1, माइनस बाहर है, एंड प्लस y2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज अ 1, ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ तक आपको ओपन करनी है, फोर्थ डेरिवेटिव तक निकल जाएगा आपका। अब मैकलोरिन यहाँ पे लगाइए, मैकलोरिन थ्योरम क्या होती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0, एफ 4/4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डैश 0 अप टू सॉल्व, ठीक है। जो आपको प्रूव करना है वो 4 पावर तक करना है, तो एक्स रेज़ टू पावर 4 मतलब कि हमें 4 डेरिवेटिव चाहिए, 4 डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आप एफ ऑफ 0 का मतलब है वाई ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 का मतलब है वाई 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। इनकी सेकेंड चैप्टर में अच्छे से बता चुके हैं कि इनकी नोटेशन ये होती है, दिस इज वाई 2 0 एक्स क्यूब, दिस इज वाई 3 और सब की वैल्यूज आपने निकाल ली यहाँ पे, दिस इज वाई 4 0 अप टू सॉल्व, यहाँ पे सब की वैल्यूज पुट कीजिए, दिस वैल्यूज ऑफ एंड यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सपेंशन, एक प्लस आ रही है एक माइनस आ रही है, स्टार्टिंग की तो हमारे पास 0 ही हो जाएगी, वाई ऑफ 0 दिस नंबर, तो एक्स से स्टार्ट होना चाहिए, तो एक्स से स्टार्ट हो गया हमारा, वाई 1 पॉजिटिव 1 मतलब 1 आ रहा है, वाई 2 -1, एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस आती जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 5th का थर्ड पार्ट देखिए, मैं थोड़े थोड़े हिंट दे देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के यू और एम डी दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एफ वाई यानी कि एफ ऑफ एक्स आपके पास दे रखा है लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपको कैसे एक्सपेंड करना है, इसको आप स्मॉल फॉर्म में लेके जाइए, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ जो एंगल है उसको मैं कर देती हूँ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस एक्स से डिवाइड, ऑलराइट। यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ये आ जाएगा, आइडेंटिटी में चेंज कर देते हैं इसको, 1 प्लस एक्स क्यूब, ध्यान देना है 1 प्लस एक्स की होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लॉग ऑफ एम बाई एन क्या होता है, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन यानी कि 1 प्लस एक्स। अब जो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया भी है और नहीं किया है तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की जैसे ही आप एक्सपेंशन ओपन करेंगे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन एक्सपेंड कीजिए, ये बाय मैकलोरिन थ्योरम करोगे आप, और इसकी मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2
प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर प्लस अप टू सो ऑन। लॉगरिथम की एक्सपेंशन को याद करने का तरीका, एक तो लॉगरिथम में फैक्टोरियल नहीं आता, ओके, जैसे हम इसको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट निकालते हैं किसी भी टर्म में फैक्टोरियल नहीं है, देखो, है ना। अगर 1 प्लस एक्स पूछा जाता है तो एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस ऐसे आती है, और x से स्टार्ट होता है यानी 1 से स्टार्ट नहीं होती कभी भी। लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, यहाँ पे सारी टर्म्स माइनस की होती हैं, टर्म्स वही रहेंगी, ओनली साइन सबके माइनस के अप टू सॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे दिस एक्सपेंशन, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे इसको, आपको एक्सपेंड नहीं करना। अगर आप कुछ तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब, कंपेयर कीजिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब रखिए यहाँ पे, एक्स यहाँ पे एक्स है ना, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब की स्क्वायर बाय टू, है ना, प्लस एक्स क्यूब की पावर थ्री बाय थ्री, नेक्स्ट टर्म इज अ माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर फोर बाय फोर प्लस अप टू सेवन चलती रहेगी माइनस, फिर हम इसकी एक्सपेंशन ओपन करते हैं, ये एज इट इज ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर प्लस अप टू सेवन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्यूब से स्टार्ट है, हम अगर इसको ओपन करेंगे तो x माइन ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब की टर्म एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, आप इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ओपन करते हैं तो थ्री रेज टू पावर टू इज अ सिक्स, यहाँ पे पावर आएगी सिक्स, जो कि आप करना चाहो तो कर लीजिए, अदरवाइज बाकी छोड़ सकते हो, सिर्फ आप एक को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है आपके पास साइन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू पावर फोर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप पुट करोगे x रेज टू पावर टेन थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे, और अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालती हूँ तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, देन वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, साइन इनवर्स टू टेन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। x रेज टू पावर फोर को आप लिखोगे स्क्वायर की स्क्वायर, तो स्क्वायर इज टेन थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर टेन स्क्वायर आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है आपके पास साइन ऑफ टू थीटा का, कैंसिल टू इंटू थीटा और थीटा की वैल्यू रख दीजिए टू इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू आ गई आपके पास एफ ऑफ एक्स की। फिर आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आप निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अब जैसे आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते जाएंगे बहुत बड़ा होता जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सपेंशन ओपन करनी पड़ेगी इसके बायनोमियल के, इसको आप लिखोगे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस टू, ठीक है। यहाँ से आप बाइनोमियल ओपन करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ऑलराइट। इसको आप अभी नहीं करेंगे, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से मैंने एग्जांपल भी कल के लेक्चर में मैंने करवाया है कि वहाँ पे आप बाइनोमियल ओपन करेंगे और फिर आप इसको प्रोसीड करेंगे, तो आप इसको ट्राई करें ना, मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी है, वहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन सिक्स देखिए, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, ई रेज टू पावर एक्स की एक्सपेंशन अलग से पुट कीजिए, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की अलग से कीजिए, यानी आपको डेरिवेटिव से यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स की होती है वन प्लस एक्स बाय वन फैक्टोरियल लिख सकते हो, वन ही वैल्यू होती है, स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉल्व मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। अभी मैंने बताया आपको क्या होती है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर प्लस अप टू सॉन। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सिक्स आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पे वन आ जाएगा, ओके। अब मल्टीप्लाई में आप पहले एक नंबर को उठाइए और मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स पहले मैं एक्स को लेती हूँ और हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय टू प्लस एक्स फोर बाय सिक्स प्लस अप टू सॉन, मीन्स एक्स की टर्म हम यहीं तक लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, है ना, माइनस एक्स क्यूब बाय टू एंड प्लस एक्स फोर बाय माइनस, एंड माइनस ही रहेगा माइनस, दो दिन यहाँ पे आ जाएगा फोर, फोर तक ही एक्सपेंड कर लीजिए आप, फिर हम क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब के आप वन के साथ कीजिए, एक्स क्यूब बाय थ्री, फिर आप एक्स के साथ करेंगे एक्स फोर बाय थ्री और फिर एक्स स्क्वायर फाइव
टर्म चली जाएगी, पावर वो आप छोड़ दीजिए। एक्स फोर की पावर यहाँ नहीं रखिए, आप वन के साथ करते हैं, एक्स रेज टू पावर फोर बाय फोर, यहाँ पर फिर से पावर फाइव आ जाएगी अप टू सेवन। इस तरह से मल्टीप्लाई करके एक्स की टर्म इकट्ठा करिए, एक्स की तो एक ही है, स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये स्क्वायर की टर्म ऐड करेंगे, फिर क्यूब की टर्म ऐड करेंगे एंड फिर फोर पावर वाली ऐड करेंगे, ये आ जाएगी इसकी एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें करेंगे ई रेस टू पावर एक्स कॉस एक्स की वैल्यू, यानी कि सॉरी एक्सपेंशन पुट करेंगे यहाँ पे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत ईजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो मैं उनकी पीडीएफ बना के डाल देती हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है। तो आप जो प्रॉब्लम आती है वो मुझे बता देना, और कल मैं इस लेक्चर को, इस चैप्टर को सॉरी पूरा ही कंप्लीट करवाने वाली हूँ, यानी थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज में कल के लेक्चर में ही कवर करवाऊंगी। तो आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।